स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो टॉपिक फिर से हमारा मूली है, जो पिछले बार हम लोग दवा दिए थे उससे क्या रिजल्ट है और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं मूली में, आप इस वीडियो में जानिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो आज का हमारा काम जान पाइएगा का आज हम लोग काम क्या करने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा पहले पिछले बार का रिजल्ट का, तो काफ़ी सुंदर रिजल्ट आया और पत्ते में कम कीड़े रहे और इससे हमारा पत्ते जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ दिख रहा था, यानी कि छेद छेद दिख रहा था, और यहाँ पे देखिएगा अब पत्ते पूरे तरह से क्लियर और साफ दिख रहा है। थोड़े से अभी फिर से हल्के कीड़े लग रहे हैं क्योंकि टाइम 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 पे दवा हम लोग को डालना पड़ता है, तब जाके वो कीड़े को कंट्रोल में रखते हैं, वो फिर पत्ते साफ रहेंगे। तो अभी हम लोग आज फिर से दवा डालेंगे, पर दवा चेंज रहेगा। उससे पहले आप एक और चीज़ देखिएगा कि हम लोग खाद का इस्तेमाल किए, तो खाद का इस्तेमाल करने के बाद आप हमारे यहाँ पर मूली अगर देखिएगा तो काफ़ी बेहतर, नीचे देखिए कंद हमारा बनने चालू हो गया, कंद ऊपर तक हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि कुछ टाइम के बाद ये हार्वेस्टिंग भी होना चालू हो जाएगा। तभी फटाक से चलते कीट का दवा डालेंगे और आज हम लोग यहाँ पर मूली प्लस साग और जो भी फसल है सब में एक साथ स्प्रे लेंगे। तो पहले यहाँ पे स्प्रे लेते हैं और दवा घोलते हैं कि कौन कौन सी दवा आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग दवा चेंज करके देंगे क्योंकि पिछले बार हम लोग काफ़ी कड़ा डोज वाला दवा डाले थे, तो इस बार हम लोग पटाखा का इस्तेमाल करेंगे। पटाखा का इस्तेमाल हम लोग 15 लीटर पानी में हम लोग 20 से 22 ml तक में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे 20 ml ही लेंगे और दवा डालेंगे क्योंकि वो उतना हार्ड कीड़े नहीं है, अब थोड़े बहुत कीड़े बचे हुए जो लास्ट हमारे मूली अब कुछ दिन में हार्वेस्टिंग होगा, इसलिए हम लोग कम डोज रख के स्प्रे लेंगे। तो फटाक से अभी हम लोग 15 लीटर पानी में 20 ml दवा निकालते हैं, ठीक है। ये नया पैकेट है पटाखा का, तो अभी हम लोग इसको खोलते हैं, किट के लिए है, स्पेशल किट के लिए। ये हो गया, ये हमारा ml नापने के लिए। ये रहा हमारा 20 ml, ठीक है। ये हो गया पूरा, अब इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। इसके साथ आप चिपकू गोंद भी डाल सकते हो, किसी तरह का स्टिकर वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर अभी हमारे पास स्टिकर नहीं, तो विदाउट स्टिकर का हम इस पर ले रहे हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि स्टिकर आपके पास नहीं होगा तो स्टिकर ले आना है, हमारे पास अभी लाने में टाइम लगेगा, इस कारण से हम लोग बिना स्टिकर का ही स्प्रे लेने वाले हैं अभी। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप सभी देखे थे कि हमारे मूली के पत्ते में काफी ज्यादा गंदा क्या हो रहा था, हरे हरे तरह का तत्व मिलते थे, तो अभी यहाँ पे हमारा उस तरह का किस तरह का गंदा नहीं है पत्ता में, ठीक है। अब पत्ता पहले से काफी ज्यादा साफ हो चुका है, तो ये एक बार स्प्रे करने से ये रिजल्ट रहा, ये दूसरा बार में पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा और थर्ड स्प्रे तक में हमारा लगता है कि हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो ही जाएगा, तो वो हमारा रहेगा बेस्ट और उस समय तक पूरे तरह से पत्ते साफ भी हो जाएंगे, कीट वगैरह रहेगा भी नहीं। और पिछले बार जो कितने पत्ते कटा हुआ था तो वो सारे पत्ते धीरे धीरे अब भर के ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हार्वेस्टिंग टाइम में तो कम्प्लीट ठीक हो ही जाएगा, उम्मीद तो है। जो बचा खुचा रहेगा तो उतना बहुत चलेगा, बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हमारा काम हो गया और यहाँ पे कंप्लीट काम होने के साथ साथ काफी बेहतर, और शाम के टाइम में हम लोग इस पे लिए क्योंकि शाम के टाइम में वातावरण ठंडा रहता, मौसम ठंडा रहता, और उस समय जितने भी फितेंगे वगैरह रहते सब निकले हुए रहते, यानी जितने कीट रहते वो सारे ऊपर की ओर रहते, धूप के टाइम में ऊपर में नजर नहीं आएंगे। और यहाँ पे देखिये इस्प्रे होने के बाद काफी सुंदर, और नेक्स्ट बार जब भी काम यहाँ पे होगा तब वहाँ पे दिखेगा इस जगह पे कि और भी अच्छा फसल हो रहा है और जिस समय हार्वेस्टिंग होगा। और एक बात है कि हार्वेस्टिंग हम लोग धनिया का नहीं बना पाए क्योंकि धनिया का जन्मेशन तो हुआ था बेहतर, पर पानी की वजह से वो धनिया थोड़ा जन्मेशन के बाद मरना चालू हो गया, उसमें भी हम लोग दवा दिए पर वो रोक नहीं पाया क्योंकि लगातार 5 से 6 दिन पानी मारा था, तो उतना पानी में जन्मने के बाद भी वो गलना चालू हो गया, ठीक है। और धनिया का इस पे हार्वेस्टिंग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वो हार्वेस्टिंग सुबह यानी कि सुबह 4 बजे उठकर खेत में आना पड़ता था, अंधेरा रहता था, इस कारण से हम लोग वीडियो नहीं बनाए। यहाँ पे भी देखिए पालक का भी हार्वेस्टिंग उसी टाइम चलता है, तो इस कारण से हार्वेस्टिंग पालक का भी नहीं बना पा रहे क्योंकि सुबह 4 बजे पूरा अंधेरा रहता है, थोड़ा सा लाइट लेके हम लोग काम करते हैं, तो इस कारण से हम लोग वीडियो उस समय का नहीं बना पाते। धनिया का जन्मेशन बेहतर था, बस पानी की वजह से वो खराब होना चालू हुआ था, तो बेहतर है। अभी धनिया का बुआई हम लोग फिर से किए हैं, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट हार्वेस्टिंग हमारा
सुबह सुबह करें या शाम के टाइम करें तो बेहतर से आप सभी को दिखा पाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानकारी के साथ अच्छे से टॉपिक में। तब तक ले जय जवान जय किसान।